बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कि 1971 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने भारत की सेना के सामने सरेंडर करा था। इंडिया ने एक ऐसा हथियार बनाया है जिसमें इलेक्ट्रिक वायर्स लगी हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे बड़ा सरेंडर 93,000 65 में 71 में कारगिल में। सियासी मौशी खारिजी बेयकीनी का उरूज, मुल्क का हर तबका परेशान है, एक से बढ़कर दूसरा बहरान है और इसमें पिसते हुए सिर्फ आवाम है। शहबाज शरीफ साहब को इकोनॉमिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। हालात गंभीर है, संगीन है, खौफनाक है, तश्वीशनाक है, खतरनाक है। इंडिया ने चाइना के बहुत ज्यादा फौजियों पर हमला किया है, इवन के लाठीचार्ज हुआ है, बहुत से जो फौजी हैं वो जख्मी हो गए हैं। अगर हम देखें तो इंडिया ने आज बहुत बड़ा स्टेप लिया है अपने लिए, एक ऐसा स्टेप जो कि चाइना के लिए भारी भी पड़ सकता है। हमारे और चीमा साहब के ग्राई पंजाबी पुत्रों ने चीनियों का क्या हाल बनाया वो आपने देखा। और भाई डॉक्टर जयशंकर को देखा क्या बातें करता है? डॉक्टर जयशंकर ने कहा और उसने यूरोपियंस की आंखों में आंखें डाल के कहा और अमेरिकन की आंखों में आंखें डाल के कहा कि भाई हम तेल ले रहे हैं क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी आवाम है। हमारे हुक्मरान कैसे बता रहे हैं फखरिया तौर पे कि हमने तेल की कीमतें बरकरार रखी, हमने तेल की कीमतों को बढ़ाया नहीं, तब कम करना था अल्लाह के बंदो, और अब होश आया तनकीद सुनने के बाद। कम अगर कर ही दिए तो 10 रुपए कम नहीं करनी थी, बहुत ज्यादा कम करनी थी। इंडिया के साथ ये बात करने का टाइम नहीं है। एक बात, एक इंडिया की हवा बहुत ऊपर है। उस इतिहास की शानदार जो एक्टर्स थे, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, और सबसे बड़ा किरदार निभाया था मुक्ति वाहिनी। यू आर आस्किंग द रॉन्ग मिनिस्टर व्हेन यू से हाउ लॉन्ग विल वी डू दिस, बिकॉज इट इज द मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान हु विल टेल यू हाउ लॉन्ग पाकिस्तान इंटेंड्स टू प्रैक्टिस टेररिज्म। एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड इज नॉट स्टूपिड, द वर्ल्ड इज नॉट फॉरगेटफुल, एंड द वर्ल्ड does, you know, increasingly call out countries and organizations and people who discuss kiya. Dekhiye, aapko apna nazariya Pakistan ko revisit karna padega. Aur jab aap revisit karenge, to aap defense ka budget bhi kam kar denge aur aapko realize hoga ki aapko itni badi fauj ki zarurat nahi hai. Aap sirf ek example dekh lijiye, East Pakistan, ek zamane mein Pakistan tha. और जो नजरिया पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का या अभी मौजूदा पाकिस्तान का या वेस्ट इंडिया का, जो मेरे को बड़ा पसंद आता है इसको कहना, जो नजरिया उसका वो है, वही नजरिया ईस्ट पाकिस्तान का और प्रेजेंट बांग्लादेश का था। लेकिन बांग्लादेश ने वो नजरिया कैंसिल करके और नजरिया बांग्लादेश लेके आ गए और उस नजरिए के चलते बांग्लादेश अभी कहां है। बांग्लादेश ने वो सारी चीजें छोड़ दी तो इंडिया उसके ऊपर चढ़ तो नहीं गया, उसने फौजें कम कर ली, उसका डिफेंस बजट। लेकिन ये 1971 की लड़ाई की जरूरत पड़ी क्यों? व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ दिस वॉर सर? देखिए 1971 की लड़ाई की जेनेसिस काफी पीछे जाती है। जब 1947 में भारत पाकिस्तान, उस टाइम का वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा, एक वेस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम पाकिस्तान जानते हैं, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये लड़ाई की नौबत 1971 में शुरू हुई, यह लड़ाई शुरू होगी थी 1948 से। शायद आपके दर्शकों को मालूम हो या कुछ को ना मालूम हो, 21 फरवरी जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पे मनाया जाता है और 21 फरवरी जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है इसकी बुनियाद रखी गई थी 21 फरवरी 1952। ऐसे नहीं है, इंडिया तो उसकी हेल्प भी करता है, उनके फौजियों को ट्रेन भी करता है, हम तो नहीं चढ़ गए ऊपर। आफ्टरऑल अगर यही कॉन्सेप्ट रहता कि जी इंडिया तस्लीम नहीं करता और पार्टीशन को एक्नॉलेज नहीं करता और उसका मौका जब मिलेगा तो वो हमको खा जाएगा पी जाएगा, तो इंडिया ने बांग्लादेश को तो नहीं खाया ना, तो ऐसे पाकिस्तान को भी नहीं कोई खाएगा। इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि हम अपनी